मैंने अपनी सारी जिंदगी नॉर्मल स्ट्रीट पे ही गुजारी है। इसके एक छोर पे तालाब है और दूसरे छोर पर पेड़ों का झुरमुट, और इनके बीच रहती है एक बुजुर्ग औरत एक पुराने से घर में, जिसके नीचे तबाही पनप रही है। ये मैं हूँ गौतम गिबन, और हाँ मैं मिट्टी में लतपत हूँ, सर से पाँव तक, मेरे कानों में, मेरी आँखों में, मेरे जूतों में भी। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है रेंजर, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमारी मॉम्स हमें एक ही बार टब में नहलाती थी। चलो जल्दी करो, मेरे जूते ही नहीं उतर रहे। बर्बाद तो हो ही गए हैं। ये मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड है मेल, इसका नाम दरअसल मेलोडी है पर सब मेल ही बुलाते हैं। जल्दी से ये पहन लो। अगर आप सोच रहे कि मैं मिट्टी में क्यों सना हुआ हूँ, तो ये सब एक फटे हुए तरबूज से शुरू हुआ था और फिर मामला बिगड़ता ही चला गया। शुरू करो। दिन झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी और आज तो हद ही हो गई। सुबह के सिर्फ 9 ही बजे थे। गर्मी तो खत्म हो जानी चाहिए थी, ये चक्कर क्या है? रेंजर गर्मी से इतना परेशान था कि आइस कैंडी खाने के बजाय उसने अपनी छाती पर लगा दी। थोड़ा पागल सा हो गया था। तुम्हारी आइस कैंडी पिघल रही है। ये हो क्या रहा है इतनी गर्मी? कुछ तो लोचा है, जैसे हमें किसी बात की सजा मिल रही हो। किस बात की? सारे जंगल काटने की, धरती को तबाह करने की, घटिया टीवी शोज बनाने की, मुझे कैसे पता होगा? घटिया टीवी शोज का मौसम के तापमान पर कोई असर नहीं होता है। बैंगन का भरता, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा भेजा कानों से पिघल के निकल जाएगा। रेंजर की गाली बकने की आदत को सुधारने के लिए हम उसे गालियों के बजाय सब्जियों के नाम बुलवा रहे थे। गार्डनर अंदर जाओ। मेरा छोटा भाई, इसे चुपचाप मेरी जेब में चीजें डालने की बीमारी है। नहीं रुको, मुझे नहीं चाहिए। मॉम, गार्डनर फिर से मुझे कुछ दे रहा है। ओह हनी, ये बस कह रहा है कि मुझसे दोस्ती कर लो। नहीं, ये कह रहा है कि मुझे जेब में कचरा डालने दो। अब क्या कह रहा है? आई लव यू। ये तुम भी तो कह सकते हो। मॉम, गार्डनर के स्विम डायपर्स खत्म हो गए, तुम जाके स्टोर से ले आओ। इतनी गर्मी में? क्यों, पास में ही तो है। तुम्हारे भाई को आज पूल में लेके जाना है, बेचारे को बहुत गर्मी लग रही है। अपने लिए एक आर्कटिक स्लजी भी ले आना। कम ऑन, तुम लोग चलोगे? ठीक है, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो मेरी चीजें बांट लेना। मेरे भाई को कुछ मत देना। मेरे जूतों में कम से कम आधा लीटर पसीना जमा हो गया था। कहते हैं कि आर्कटिक स्लजी बनाते वक्त मशीन जो अजीब अजीब सी आवाजें करती है, वो दरअसल फिजिक्स के लॉज शोर मचा रहे होते हैं। तुमने सब कुछ मंगवा लिया है ना? जो कुछ भी ऑर्डर किया था मैंने। मिस हर्ट्सपिक कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, बहुत सालों पहले काफी फेमस थी, फिर इनकी आंखें चली गई। तरबूज मंगवाया था, डक्ट टेप और एक चांदी का फोक भी खास ऑर्डर किया है। खालिस चांदी है ना? हाँ, लगता तो है। ये खालिस है कि नहीं है एग, मुझे पक्का बताओ। एक बार रेंजर मिस हर्ट्सपिक से मिलने गया था अच्छे कर्म कमाने के इरादे से। वो अपनी मॉम की बनाई खास ब्राउनी भी ले गया था, जिसको खाने से इस दुनिया का कोई भी इंसान खुद को रोक नहीं सकता। खालिस है, पक्की बात। और मैंने झाड़ू का डंडा भी मंगवाया था। ये रहा। इसका वजन और बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। ये क्या है? आपका झाड़ू है?
मैंने झाड़ू का डंडा मंगवाया था, इस पर जो ये घास लगी हुई है, बताओ इसका मैं क्या करूंगी? वेल, मिस हॉटस्मिथ, आप इससे झाड़ू लगा सकती हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ एग, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। देख कर नहीं कर सकते। I'm sorry, मिस हॉटस्मिथ। कौन है? क्या तुम गिबन के बेटे हो, गौतमा? हाँ मैम। मैंने जो तरबूज लिया है क्या वो बर्बाद हो गया है? देखो झूठ मत बोलना। हाँ खाने में पता नहीं चलेगा। ओके बाय। आगे बेटा, मिस हॉटस्मिथ का फोन आया था, तुम्हें फौरन अपने घर बुलाया है। फौरन? जानते हो तुम दोनों के पैदा होने से पहले मैं अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी, तुम उन्हें अपना ही समझो। वो बिल्कुल अकेली हैं गौतमा। उन्होंने तरबूज के बारे में कुछ कहा क्या? इधर आओ बदमाश। अरे ये घर तो मैं जानता हूँ, इन आंटी ने मेरी ब्राउनी फेंक दी थी। संभल के आगे बढ़ना। इतनी अच्छी ब्राउनी भी कोई फेंकता है क्या? इन्हें तुमसे क्या काम होगा? तुम उस मेंढक को ठिकाने लगाओगे। मैं आपके लिए दूसरा तरबूज लेके आया हूँ। आपको तेज धार वाले औजार इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मिस हॉटस्मिथ। मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं समझ पाएगा। तुम जानते हो मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई? नहीं मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। निकलो वहाँ से। मैं ये तरबूज यहाँ रख देता हूँ और चलता हूँ, आपको और भी बहुत से काम होंगे। मैंने बहुत सी कुर्बानियां दी फैशन मॉडल बनने के लिए, परिवार दोस्त यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान भी। कहते हैं सोच समझ कर विश मांगो, क्योंकि पूरी भी हो सकती हैं। सच तो यह है कि हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है, विशेष कभी भी फ्री में नहीं मिलती। आपको आंखों की रोशनी देनी पड़ी। मैंने कुछ नहीं दिया है, मेरी रोशनी मुझसे छीन ली गई थी। मैं बहुत ही खूबसूरत मॉडल थी, देश भर में मेरे होर्डिंग्स लगा करते थे, जिन्हें लाखों लोग देखते मेरी तारीफ करते, पर मैं कुछ भी देख पाने की स्थिति में नहीं थी। क्या वो एक्सीडेंट था? एक मेंढक का करा धरा था और वो अब लौट कर आया है। मेरे पास अब बचा ही क्या है? भागने की कोशिश मत करो। गए पकोड़े तेल में, इन्होंने तो तरबूज की जान ही ले ली। गोटी बार निकलो वहां से। आंखें नहीं है लेकिन निशाना बड़ा ही पक्का। मुझ पर हंसता है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? दिन हो या रात आवाज देता है, सुनो। ये क्या था? मुझे हर पल हर घड़ी हर रोज ये आवाज सुनाई देती है। वो लौट आया है और अपने साथ ये गर्मी ले आया है। वो जो चाहता है उसे ना मिला तो वो हम सबको झुलसा कर रख देगा। ये लो, अगर तुम चाहते हो कि फिर से यहाँ ठंडी हवा चले और सुकून मिले, ये ले लो। वो घर के नीचे बैठा है। लेकिन मैं इसका करूंगा क्या? ओह, मुझे बचा लो गौतमा, हम सबको बचा लो। तुम सच में एक मेंढक को फोक से मारोगे? उसे फोक से जरा पोक करूंगा तो शायद भाग जाए। तुम्हें यकीन है वो मेंढक ही है? और क्या हो सकता है, वो टोड हुआ तो? दोनों में क्या फर्क है? साइंस के हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है। चूचू का मुरब्बा, फर्क कैसे नहीं है? टोड्स की आंखों के पीछे जहर भरे ग्लैंड्स होते हैं, वो जहर फेंक सकते हैं, वो भी अपनी आंखों से। बहुत कम टोड्स जहरीले होते हैं और वो आंखों से जहर नहीं फेंकते हैं, उनकी आंखों के पीछे खास ग्लैंड्स होते हैं जो जहर स्प्रे करते हैं। मिस हॉटस्मिथ ने बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई, एक विश, एक मेंढक और इस गर्मी के बारे में। तबाही वाले मेंढक की कहानी?
मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी, मैंने तुम लोगों को नहीं सुनाई। ओके, एक समय की बात है, एक लड़का था जिसे एक विश मांगनी थी, तो वो विशिंग हिल पर जा पहुंचा, जो नॉर्मल स्ट्रीट के आखिर में है। उसने सर्दी के खत्म होने की विश मांगी ताकि उसके परिवार की उगाई फसल बच जाए। वो सिक्के के पानी में गिरने की आवाज का इंतजार करता रहा, पर कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने बाल्टी नीचे उतारी, वो भी पानी से नहीं टकराई। और फिर रुको, इसके बाद क्या हुआ था? हाँ, याद आया। फिर इस लड़के को बाल्टी कुछ भारी लगी, उसने उसे ऊपर खींचा और उस बाल्टी में तबाही मचाने वाला मेंढक था। मेंढक ने कहा कि वो लड़के की विश पूरी कर देगा, लेकिन उसे सिक्के के अलावा भी कुछ चाहिए था। अपना हाथ आगे करो, मेंढक ने कहा। कच! उसने लड़के की एक उंगली ही काट ली और ये थी उसकी विश की कीमत। कुछ विशेष की कीमत दूसरों से ज्यादा होती है, पर उसकी विश तो पूरी हो गई ना। हाँ, उस दिन गर्मी आ गई और फसलें भी बच गई, लेकिन कुछ महीने बाद गर्मी खत्म ही नहीं हुई। सूरज जलता रहा और फसलें झुलस गई। मगर गर्मी कभी तो खत्म हुई होगी, किसी ने तो तबाही के मेंढक को हराया होगा। हाँ, ओह हाँ, कोई हथियार था, फोक ऑफ डेस्टिनी या ऐसा कुछ। ये शायद वो दूसरी कहानी थी, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन उंगली काट लेना ये मैं भूल नहीं सकता। क्या कहा इसने? फोक ऑफ डेस्टिनी? रेंजर ही है जो कहानी की सबसे जरूरी बात भूल सकता है। उस घर के नीचे जो कुछ भी था, मैं तैयारी के साथ जाना चाहता था। आँखों को बचाने के लिए कुछ चाहिए और उंगलियों के लिए भी। इसे पहन लो। इसे अपने पास रखो, इसे गिरा मत देना। चले मैदाने जंग में, दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है, उसे हावी मत होने देना। और अपनी उंगलियों को उससे हर कीमत पर दूर रखना। ये रस्सी किस लिए? तुम्हारी लाश बाहर निकालने के लिए। इमरजेंसी एस्केप सिस्टम, 3 बार खींचना, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। या तुम्हारी लाश को जरा साउंड चेक करवाना। सांस नहीं ले पा रहा, उल्टी आ रही है। बोलते रहना ताकि पता चले तुम जिंदा बिल्कुल महफूज हो। सीधे अंदर जाओ, उस मेंढक को मारो और बाहर निकल आओ। मसाले तैयार रखना मेल, आज खाने में मेंढक ही खाएंगे। जी मकड़ियाँ, ऐसी जगह पर इतनी मकड़ियाँ क्यों होती है? आगे बढ़ते रहो गौतमा। मुझे धूल से एलर्जी है। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तबाही मचाने वाला मेंढक। I'm sorry, पर गर्मी को खत्म करना ही है। अंदर क्या हुआ? रेडियो बंद पड़ गया था। मार दिया उसे? मिस हर्ट्सपिथ, गौतमा, काम पूरा कर दिया तुमने।
ये कहानी तब की है जब मैं छोटी थी। मैं भी कभी जवान थी और निराश भी थी। मेरे ख्वाब तो बहुत बड़े थे लेकिन मैं रहती छोटे शहर में थी। वो कितनी सुंदर है। ये डिजाइन आपके हैं मिस हर्ट्सपेथ? एक अरसे तक अपने ख्वाबों को जिंदा रखने का यही एक तरीका था। और फिर एक दिन जो कि बेहद झुलसा देने वाला दिन था, गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई। मैं भागकर विशिंग वेल तक गई। मेरे पास देने के लिए सिक्का नहीं था, बस एक ही कीमती चीज थी, वो अंगूठी। मैंने उसे कुएं में डाल दिया और अपनी विश मांगी, दिलो जान से विश मांगी। और फिर वो सामने आया। मैंने आज तक इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, कशिश थी। मैं उस वक्त न देख पाई और न समझ पाई कि उसकी आंखों में प्यार था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने मुस्कुराते हुए मुझे वो अंगूठी पहना दी। सब कुछ बदल सा गया। रातों रात मैं एक जानी मानी हस्ती बन गई। कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी। मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया था। लेकिन हर ख्वाब की तरह ये ख्वाब भी बीच में ही टूट गया। वो लड़का फिर एक बार नजर आया। मैंने तब तक गौर नहीं किया था, मगर उतने सालों तक मैं उस अंगूठी को पहने हुए थी। उसे लगा कि मैंने उसके प्यार की सौगात कबूल कर ली है, मगर मैंने तो बस एक विश मांगी थी। खुद से अपने ख्वाबों को पूरा करने का वादा किया था मैंने। मेहनत मेरी थी, जी जान लगाकर काम मैंने किया। कामयाबी का श्रेय भी मेरा ही था, किसी और की देन नहीं थी। इसलिए मैं वो अंगूठी उसके मुंह पर मार कर चली आई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। और ना ही कुछ और देखने के लायक रही। फिर क्या हुआ? उसने मेरी तकदीर के पन्नों पर बदकिस्मती लिख दी, हमेशा के लिए। सच में आप वाकई बदकिस्मत हैं। तुम्हें हेलमेट या शोल्डर पैड्स कुछ भी नहीं पहनना है? नहीं, सिर्फ उससे बात करनी है। और फोक ऑफ डेस्टिनी कहाँ है? पिछली बार जब अंदर गया था तब वही गिर गया होगा। मालपुए की कसम गॉटिमर, जिस चीज के नाम में डेस्टिनी हो उसे खोया नहीं करते। इसी वजह से उसका नाम है डेस्टिनी, ताकि कोई उसे खो ना दे। मैं जा रहा हूँ। सही कहा ना? बिल्कुल। हेलो, तुमसे बात करनी है। उसके बिना मैं नहीं हूँ। मैं बाहर निकल पाऊंगा ना? अच्छा सुनो, इससे दुखी मत होना। मैंने उनसे बात की पर उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्हें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम्हें ये सुनकर तकलीफ हो रही होगी, मगर उन्होंने जो भी तुमसे वादा किया था वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगी, चाहे जितना इंतजार कर लो। ओके, देखो, हम सारी जिंदगी ये गर्मी नहीं झेल सकते हैं। इसे बदलो, उन्हें भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। वो अपनी आंखें तो दे ही चुकी है, और क्या चाहिए तुम्हें? जहरीली आंखें। देखो, रोना बंद करो। अपनी जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं। गर्मी से बेहोश हो गया है। ओ करेले, ओ टिंडे, ओ खजूर। फोकस करो।
हमें इसे होश में लाना होगा जल्द ही। अभी आया। अरे ये मेरी दादी माँ का जग है, रेंजर। मैं वापस ले आऊंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम बेहोश थे। मैंने गाली दे दी। ओ, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। अंदर क्या हुआ था? मैं हार गया। ये आर्कटिक स्लजी मुझे मिलने दी। इतनी सड़ी गर्मी में वो चलकर स्टोर तक गई और फिर ये लेकर आई सिर्फ मेरे लिए। इसे खत्म करने से पहले ही मेरी आंख लग गई, मगर मेरी नींद एक ऐसी आवाज से खुली जो मैंने महीनों से नहीं सुनी थी। और एक चुटकी में कभी नहीं खत्म होने वाली गर्मी खत्म हो गई। हेलो गौतमा, जल्दी आओ, घर के नीचे पानी भरता जा रहा है। क्या वो अंदर है? हाँ, वो बेचारा डूब जाएगा। गौतमा, उसकी मदद करो प्लीज। हेलो, सुनो लड़के, मेंढक, मेंढक लड़के, क्या तुम यहाँ हो? ज्यादा वक्त नहीं है। रेंजर बहुत खुश हो जाएगा। गौतमा, गौतमा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मिस हर्षवत। गौतमा, वो चला गया मिस हर्षवत। अब गर्मी तो नॉर्मल स्ट्रीट से जा चुकी थी, तो हम सब भी अब नॉर्मल हो सकते थे। लौट आए हो? गौतमा हूँ मिस हर्षवत। और मैल? और मैं, मेरा मतलब रेंजर। हमें लगा शायद आप यहाँ हो। मेरी मॉम ने ब्राउनीज बनाई है, हम आपके लिए भी लाए हैं, लेकिन इस बार फेंकिएगा मत। मैं एक पुराने दोस्त के लिए वेट कर रही थी। और तीन आ गए। मिस हर्षवत, आपको घर ले चले? वैसे पता है मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है फ्रिज में, ब्राउनीज के साथ मजेदार लगेगा। इन्होंने विश तो मांगी थी, मगर सुनहरी आंखों वाला लड़का लौट कर नहीं आया। वो कहानी खत्म हो गई थी और नई कहानी का वक्त आ गया था, एक नई शुरुआत।
बहुत ज्यादा उम्मीद रखने से प्यार जला देता है। इसे नजरअंदाज करने से हम अकेलेपन के अंधेरों में खो सकते हैं। एक तरह से मिस हर्ट्सफिट हमें पहली बार देख रही थी और हम उन्हें कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन असली खतरा प्यार की तरफ अंधा होने में है। हे गार्डनर, लव यू।